के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर 2 घंटे तक एनडीए नेताओं की बैठक चली। बैठक के अंदर खाने की खबर हम आपको बता रहे हैं। अंदर खाने नीतीश कुमार ने सभी नेताओं से यह चर्चा किया है कि कोई भी कार्यक्रम हो एनडीए एकजुट होकर ही करेगा। जैसे जनता दल यूनाइटेड का कार्यक्रम अलग होता था, अलग भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता है, अलग हम का कार्यक्रम होता है, चिराग पासवान की पार्टी का कार्यक्रम अलग होता है, लेकिन नहीं, अब सभी जगह एकजुट होकर प्रोग्राम करेंगे, कोई अलग नहीं होगा। यूं तो नीतीश कुमार अक्सर, उनकी पार्टी हमेशा जो है वो तैयारी हो या फिर कोई कार्यक्रम हो, नीतीश कुमार अकेले ही करते थे। आखिरकार इस बार की रणनीति नीतीश कुमार ने बदल दी। इस बार सबके साथ ही रहकर मजबूती से चुनाव लड़ना है और ये मैसेज देने की कोशिश है कि सभी एनडीए के नेता एकजुट है, एक साथ। नीतीश कुमार ऐसे पहले कभी हुआ नहीं था, तैयारियां होती थी, बाद में रैलियां एक साथ मंच पर होती थी, लेकिन पार्टी अपने स्तर से तैयारी करती थी। लेकिन इस बार रणनीति बदल गई है। इस बार जो है वो सभी नेता एकजुट होकर प्रचार भी करेंगे और एकजुट होकर बूथ लेवल तक सिर्फ एनडीए रहेगा, ना जेडीयू, ना बीजेपी, ना हम, ना लोजपा, आर कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनडीए। क्योंकि नीतीश कुमार को अब अपनी पार्टी के नेताओं पर ही भरोसा नहीं रह गया। जिस तरीके से नीतीश कुमार तैयारियां करते थे, अलग अलग जब चुनाव होता था तो नीतीश कुमार पूरा दम झोंकते थे, उनके पार्टी के नेता जमीनी स्तर पर मजबूती से काम करते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार को शायद इस बात का एहसास हो गया है कि जनता दल यूनाइटेड में सिर्फ उसकी ताकत की वजह से वो चुनाव नहीं जीत सकते। अब उनको तरीका बदलना पड़ेगा और तरीका ये है कि अब दुगनी ताकत के साथ लगना है। तो अगर चुनाव जीतना है तो भारतीय जनता पार्टी को साथ रखना होगा, पार्टी को मर्ज कर नहीं सकते हैं, और पार्टी और अपने आप को जिंदा रखना है राजनीति में तो मजबूत होने के लिए एनडीए का सहारा पूरी तरीके से लेना होगा। और अब वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी चीजें हो, सिर्फ और सिर्फ एनडीए होगा। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक भी ये मैसेज जाना चाहिए कि ना हम जेडीयू हैं, ना हम भाजपा हैं। 2020 में मैंने पहले आपको बताया है, 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो वही था, जेडीयू अलग, भाजपा अलग, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ था, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी तो अच्छा स्कोर ली लेकिन जनता दल यूनाइटेड जो है वो 43 सीट पर सिमट कर रह गई। अब ऐसी गड़बड़ी ना हो इसके लिए नीतीश कुमार ने पहले ही बैठक कर दिया है और ये आसार है कि चुनाव पहले भी हो सकते हैं। दूसरी बात, 17 साल की बात अगर की जाए तो नीतीश कुमार 17 साल से एक बात को लगातार कहते आए हैं कि लालू यादव का शासनकाल, जबकि वो कई बार लालू प्रसाद यादव के साथ गए हैं, फिर से उन्होंने इसी बात को दोहराया है और कहा है यंगस्टर्स जो हैं, जो युवा हैं, उनको इस बारे में बताइए कि पहले क्या स्थिति थी। ये बात नीतीश कुमार ने इस बैठक में कही।